केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आज से दुकानें खोलने की इजाजत दी है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। आदेश में कहा गया है कि बाजार में स्थित दुकानें, कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ई कॉमर्स कंपनियों को केवल जरूरी चीजों की बिक्री की अनुमति होगी। इसके अलावा कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत शराब की दुकानें और अन्य चीजें बंद रहेंगी। वहीं हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रोक जारी रहेगी। वहीं अब राज्य सरकार की तरफ से भी नई गाइडलाइन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 2 के तहत आज राहत दी गई है। कुछ राहत के तहत गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर जो गैर जरूरी सामान है उनकी दुकानें खुलने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन जयपुर में गृह मंत्रालय की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं उनका कोई असर फिलहाल नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश का अभी अध्ययन कर रही है और जिसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जयपुर का मार्केट, जहां गैर जरूरी सामान की बात की जाए तो कहीं किसी तरह की गैर जरूरी सामान की दुकानें अभी तक नहीं खुली हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जो एरियाज हैं उनमें किसी तरह की राहत देने से इनकार किया गया है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी गृह मंत्रालय के आदेश पर किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। राज्य सरकार फिलहाल गृह मंत्रालय की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसको अध्ययन कर रही है। अध्ययन के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। हालांकि जो गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया गया है उसकी ओर से जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें रेजिडेंशियल एरियाज में दुकानें हैं उनको खुलने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक जयपुर में जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनमें भी किसी तरह की दुकानें नहीं खुली हैं। राज्य सरकार के फैसले के बाद ही यह तय होगा कि गृह मंत्रालय की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं वो राजस्थान में लागू होंगे या नहीं, जिसके बाद ही तय होगा कि गैर जरूरी सामान की दुकानें राजस्थान में खुलेंगी या नहीं। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।